बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट जहां ज़े मिनास और आपके प्रोग्राम ओवरसीज़ पाकिस्तानी टैलेंट में आज हम एक नए पाकिस्तानी चेहरे को आपसे मुतारफ़ कराएंगे। गो के वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी इनका एक मुख्तसर तारफ़ हम आपको देते चलें। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, जो बेसिकली पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर अज़ारा से इनका ताल्लुक है, 1977 में सऊदी अरेबिया में आए एज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर और अपनी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया। इस जद्दोजहद में कितने इनको नशेब फराज का सामना करना पड़ा और कितने उतार चढ़ाव इन्होंने देखे, और आज दुनिया की बेहतरीन मोटर कंपनीज के साथ इन्होंने जनरल मैनेजर के तौर पे भी काम किया है और ऑपरेशनल मैनेजर के तौर पे भी काम किया है, जिसमें टोयोटा, जनरल मोटर्स, मज़दा, मित्सुबिशी, पाकिस्तान टोयोटा शामिल हैं। और सियासी एतबार के लिहाज से भी पाकिस्तान की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। पाकिस्तान की नई उभरती हुई जमात, जिन्होंने तब्दीली का नारा बुलंद किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 2007 टू 2009 भी रहे हैं। आज हम अपने इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हालिया इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जिसके वो दावेदार थे, वो भी हम इनसे सवाल जवाब करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने मौजूद मेहमान का तारफ जनाब इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम मीनार साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले सच टीवी का। और सच्ची बात है कि मुझे मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, इससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं हाज़िर हो चुका हूँ, लेकिन सच टीवी के साथ जुड़ी ऐसी शख्सियत, एक अजीम साफ़ी जो हमारे लिए मिशल राह भी है, शायद मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कालम भी लिखता हूँ बायस इफ्तिखार के नाम से, तो हमारे लिए बड़ी राहें तयन करते हैं तलत साहब, और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की हैसियत से तलत साहब से साथ मेरा भी रब्ता रहा है, बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे। बड़ी मेहरबानी शोज साहब। हमारा ये प्रोग्राम जी, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हमेशा ये रहा है, शिकवा रहा है आप उसे कह सकते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इन्हें कुछ खातर खा वो सहूलियात फ्राहम नहीं की, और पाकिस्तानी मीडिया भी ये कहते हैं जी हमें कवरेज नहीं देता। तो हमने ये प्रोग्राम इस सिलसिले में शुरू किया कि जो पाकिस्तानी टैलेंट बैरूनी ममालिक में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान का नाम बैरूनी दुनिया में रोशन कर रहा है, उनसे अपने पाकिस्तानी नौजवानों को मुतारफ़ करवाया जाए। तो इस सिलसिले का ये हमारा प्रोग्राम है, और हम आपसे ये पूछेंगे कि आपने ज़िंदगी की जद्दोजहद कहाँ से शुरू की, क्या आप एक शुरू से माशी तौर पर मुस्तकम घराने से ताल्लक़ रखते थे, या अपनी ज़िंदगी की मेहनत आपने खुद की और इस मुकाम तक पहुँचे, और इस मुकाम तक पहुँचने में आपको कौन से नशेब अफराद का सामना करना पड़ा, वो भी ज़रा तफसीली हमारे नौजवानों को बताएँगे। मीनार साहब बहुत शुक्रिया, सच्ची बात है कि मैं अपनी तहरीरों में भी और अपने हल्का अहबाब में भी जहाँ कहीं भी हुआ, मैंने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों को हमेशा ये बताने की कोशिश की कि लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान जो कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी में उसको अल्लाह ताला उससे नवाजते भी हैं। मेरा ताल्लुक, आपने कहा, हम एक लोअर मिडिल क्लास से मेरा ताल्लुक था। मेरे वालिद साहब तलाश माश के सिलसिले में हरीपुर हज़ारा से पिंडी से होते हुए गुजरांवाला आए, कामों की मैं कुछ अर्सा काम किया, फिर एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई, तो मेरी ज़िंदगी जद्दोजहद से इबारत है। गुजरांवाला में जब आए वहीं पर प्राइमरी स्कूल में, टॉट स्कूल में मैं पढ़ाऊँ। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात बता देता हूँ कि यहाँ जब सऊदी अरेबिया में आया था तो मैंने अपना जॉब 1200 रियाल पे स्टार्ट किया था। यहाँ मकसद ये नहीं है कि मैं कितनी सैलरी ले रहा हूँ या क्या है, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जद्दोजहद का एक सफ़र है कि मैं 40,000 रियाल तक मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनरल मैनेजर ऑपरेशंस की पोजीशंस मुझे दी, सारी दी। ये एक अंतक मेहनत है, ये एक जद्दोजहद है, एक सफ़र है। पहले तो बात है कि बागवानपुरा गुजरांवाला से रेलवे स्टेशन तक का पैदल सफ़र, वहाँ ट्रेन से लाहौर तक, वहाँ पढ़ के वापस आना, ये सारी एक कोशिश थी। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ ये रहा कि
मैं पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव था, मैं कुछ करना चाहता था। मैं 15 साल का था तो मैं नूर अलमीन साहब के जलसों में पहुंच गया, एम हमज़ा की तकरीर के दौरान भी उनको रोक के एक सवाल मैंने कर दिया। ये ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं, इनके वालिद साहब ख्वाजा रफीक, नवाबजादा नसरुल्लाह की तकरीरें सुनना, नोट्स लेना, उनके शेर पढ़ने, और तकरीर का मुझे शौक़ आना। इस्लामी जी में तलबा मैं समझता हूँ कि उसकी तारीख में अगर इमरान खान का वो वाक़ निकाल दिया जाए तो ये कैसी तंजीम है कि जिसने पाकिस्तान को एक नर्सरी थी, वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, क्यारी, जिसमें बड़े पोलिटिकल फूल खिले और बड़े लोग निकले, लियाकत बलोच है, डॉक्टर आरफ अलवी है, और बेशुमार मैं क्या नाम लो, हुसैन हक्कानी, जावेद आशमी, ये सारे लोग, फरीद प्राचा वगैरह, ये इस्लामी जमीयत तलबा के दिए हुए, और पूरी असम्बली में भी जो लीडिंग फिगर्स हैं ये जमीयत की उस नर्सरी थे जिससे हमारा भी तल्लक रहा। तो वो साथ में वो भी मेरा रहा, मैं कॉलेज में भी आया, पॉलिटेक्निक में भी आया। तो पहले साल तो मुझे लाहौर में जब आया, एक गांव से देहाती बैकग्राउंड का गुजरने वाला हमारा शहर था, 6 महीने तो हमें होश ही नहीं आई कि ये लाहौर क्या है, लेकिन जब होश आया तो फिर हमने लाहौरियों को बेहोश कर दिया। हम वो बने क्या कहते हैं CR, फिर उसके बाद हमने पैनल बनाए, फिर एक पैनल फाइनल में जब हमने बनाया तो उस पैनल को मैंने लीड किया और हमने इलेक्शन जीता। और जमीयत का पहला यूनिट जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने अभी वोट डाला है, इस कॉलेज में इस्लामी जमीयत तलबा का पहला क़याम हमने किया, और ये सारी जद्दोजहद हमारी, फिर उसी पर फिर तहरीकें आ जाती है, तहरीक बांग्लादेश नामंजूर आई तो उसमें भी मार खा रहे हैं हम जावेद हाशमी के साथ, फिर तहरीक ख़त्म नबूवत आई तो उस जेलों में हम गए। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रही। मैं हमेशा ये कहता हूँ अब नौजवानों को, कभी माशी मजबूरी जो है आपके रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। आपके अंदर कोई इस तरह की कोई कमी ज़रूर होगी जो आपको खींचती रहेगी, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स सिर्फ पैसों वाले का काम। मैं कहता हूँ कि पैसा तो जब आपके पास बहुत होता है तो पैसा तो आपको बुजदिल बनाता है कि ये होगा, ये नुकसान हो जाएगा। जब आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर आप बड़े दलेर होते हैं। तो ये दलेरी इस खूबी के साथ चलती रही। फिर वालदैन का बड़ी करम नवाजी, अल्लाह ताला जनर बख्शे, वालदा साहब का सालाना भी आ रहा है। वो आटे के थैले के कपड़े जो 18 रुपए की बोरी आती थी उसको दो के तीन थैले की बोरियों को फिर हाथ से सी के 7 रुपए में हमने लिखवाया कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हमने फिर वो चिराग जहाँ जहाँ हमसे हो सका, ये मुल्क था, सहरा था, पाकिस्तान था, हमने कोशिश की एक रोशनी फैलाएं। तो मेरी नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, आप मेहनत करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस फल देगा। ये शहर गवाह है कि मैंने मज़दूरों के साथ जो है ना, वो मिस्त्रियों के साथ मैंने एक आध दिन भी काम किया, फिर उसके बाद सफाई वाले जो लोग थे वो कंपनी में उनका मैं लेबर फोरमैन रहा। आगे बढ़ना, मैं अगर सफाई वालों में भी भर्ती हुआ तो मैं फोरमैन ही भर्ती हुआ, मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। हैंगर्स बने, उनको बनाया। ये बनी मालक में मैं कंपनी डीलरशिप विज़िट कर रहा था तो उस डीलरशिप में एज ए जनरल मैनेजर मैं गया तो मैंने अपने जो सेक्रेटरी था उसको बताया कि ये हैंगर मैंने खुद बनाया, और उसको जगह लेके गया उसको कि ये फलां हैंगर के फलां पिलर पे हमने ड्रिल से नाम भी अपना लिखा हुआ, वो मिला उनको नाम भी, उसको पीछे हटा के भी हमने देखा। तो ये कोशिश करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी ये सफ़र है, ये एक दिन गुरूब होगा, लेकिन मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मेरी ये पूरी ख्वाहिश है कि खात्मा बिल ईमान के साथ साथ कोई एक कमी, कोई एक ऐसी चीज़ वो ये रही कि हम अपनी जनरेशन को वो पाकिस्तान ना दे सके जो हमारे हाथों में आया था। हमने कभी ये तसव्वुर ही नहीं था कि इस तरह की पाकिस्तान के हालात होंगे, सेफ्टी, अमन, और फिर ख्वाहिशात भी नहीं थी। ठीक है, इतनी बिजली नहीं है तो नहीं है, क्या मसला है, छत के ऊपर पानी का छिड़काव करके अपना सो जाएंगे, बिजली आएगी आएगी, मच्छर लड़ता है तो लड़े, फोड़े फिंसी हैं तो जिस्म पे चलते रहते हैं। ये नज़ाकतों के साथ जो अब हमने जीना सीखा है ना, इसने हमें मार के रख दिया। तो ये एक मेहनत हमने की। अच्छा जी, तो चौधरी साहब, ये तो आपने बात की और उसमें आपने सियासी सफ़र के हवाले से जो बताया हमें, और फिर आपने अमन व अमान के हवाले से बताया। तो मैं आज कुरान पाक की तफसीर पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, वो डॉक्टर इसरार साहब बयान कर रहे थे कि जिस शहर में आपकी जान और माल महफूज नहीं रहते वो वहाँ माशरती निज़ाम दरम बरम हो जाता है।
तो वो वैसे मेरे जहन में ये बात आ कि माशती निज़ाम तो हमारा जो है वो ऑलरेडी दरम बरम हो चुका है और हम उस गहराई में जा चुके हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आप उभरे, पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव आपने देखे, तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी एफिलिएशन से बलातर हो के आप हमें जवाब दें कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, जो तब्दीली ये ना हो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो या तहरीक इंसाफ की हो, तब्दीली पाकिस्तान की हो और पाकिस्तानी के लिए तब्दीली हो, वो तब्दीली आप क्या समझते हैं कैसे लाई जा सकती है? मेरा साहब ऐसा है कि तब्दीली तो इंसानों ने लानी है, उन बंदों का नाम है, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ कर लें, इमरान खान कह लें या किसी और पार्टी के सीनियर की हैसियत से, असल में ये बंदे जब कोशिश कर रहे होते तो हैं तो हमारे जैसे ही, इनके भी दो ही टांगे आंखें वगैरह सब कुछ है, लेकिन एक सोच और फिक्र लेके आते हैं। मुझे इमरान खान की बातों पर इसलिए पूरा यकीन है कि वो समझता है कि पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है, और पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होने के बावजूद जो एक पॉजिटिव चीज़ जो इमरान खान का एक पॉइंट जो मैंने पढ़ के इनको ज्वाइन किया था, वो कहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में एक रेडी वाला भी फिक्र कर रहा है, एक तालिबे इल्म भी अपनी क्लास में बैठा हुआ तो पाकिस्तान की बात कर रहा है, एक मज़दूर अगर कारखाने में आए तो फिर भी वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो तब्दीली के रास्ते हैं उनको ड्रिल करने की कोशिश की गई है ये 2013 के इलेक्शन में। मैं एक सियासतदान की हैसियत से बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात आपको कहता हूँ कि जो कुछ लोगों ने किया, जिस तरह लोगों ने एफर्ट किए, जिस तरह लोग बाहर निकले, जिस तरह नौजवान पढ़े लिखे लोग जिनको जानबूझ के अब बर्गर क्लास कहने की कोशिश की जा रही है, वो लोग एक तब्दीली का ख्वाब लेके जब बाहर निकले उनका ख्वाब लूट लिया गया। चौधरी साहब, ये तो आपने बात की, ये तो इमरान खान साहब ने भी अपनी, आपने सुनी होगी नेशनल असम्बली की जो फर्स्ट स्पीच 43 आवर एंड 45 सेकंड्स की है, तो उसमें उन्होंने बड़े वाजे तौर पे कहा है कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव, मैं तो एज ए जी मैं तो एज ए अपनी नज़र से देखूं तो मुझे तो एक अच्छा सियासतदान और एक अच्छा पाकिस्तानी नज़र आया उसमें, कि जिसने पाकिस्तान की, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नवाज़ शरीफ साहब को भी मुखातब किया, अपोजिशन लीडर को मुखातब किया, और फिर जो एक फ्रेंडली बातों का तबादला भी हुआ वो बड़ा अच्छा अंदाज था, और उन्होंने तो बड़ा अच्छा सिग्नल दिया है हम पाकिस्तान को आगे ले कर चलना चाहते हैं। तो इसमें उनकी पार्टी का क्या किरदार होगा? जैसे वो शुरू की एक तकरीर में जवेद हाशमी साहब ने कुछ बात की, फिर उन्होंने माफ़ी मांगी नौजवानों से, वो तो, और जो दांधली वाला सिलसिला है वो तो हम उसे यहाँ पे बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, फर्दर मोर हम आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो कैसे हो सकता है? देखिए जी, ये उनका मेरे कायद की ये तकरीर है, और मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊँ कि हम पार्टी में अपने कायद का एहतराम करते हैं, उसकी इबादत नहीं करते। ये पार्टी जो है ये करप्शन, जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एक आवाज़ लेके उठी है, और इमरान खान को ये जो पहली उनकी तकरीर थी बहुत बड़े हवाले से, बल्कि आज भी एक बड़े अच्छे कालम नगार मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रऊफ ताहर भी लिख रहे थे कि एक नया कप्तान आया था, और वो नए कप्तान ने जो नए पाकिस्तान का एक तस्वर दिया और बड़ा पॉजिटिव एक सोच दी, ये उनकी गलतफहमी है। इमरान खान ये जो करप्ट लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और खाया और शीरे मादर समझ के वो पी गए और हड़प कर गए, और लाखों करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन की, जिनकी ज़ात के अपने जिस्मों के ऊपर अगर हज़ारों लाखों रुपये की घड़ियाँ हैं, इमरान खान अगर इनके साथ फ्रेंडली रहेगा तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी सियासी मौत मर जाएगी। इमरान खान के मैसेज को इस अंदाज से न लिया जाए, हाँ कि ये जो समंदर का सुकूत है इसके नीचे जो बैठे हुए तूफान हैं उनका इंतज़ार किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुकम्मल सेहत दे, फिर वो देखा गया कि गिरबानों पर किस तरह हाथ डालता है। मेरा कायद तो वहाँ खड़ा होना उसके लिए मुश्किल था, उसकी रीढ़ की हड्डी तीन जगहों से टूटी हुई थी, वो एक टूटा फूटा शख्स अपनी बात का इजहार कर रहा था, और उसके माने जो हैं वो इस अंदाज से न लिए जाएं। वो पाकिस्तान के ऐसे नौजवानों की तर्जमानी करेगा जिन नौजवानों ने उनको ख्वाब एक तब्दीली देखी है,
अगर यही इनके साथ फ्रेंडली अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के साथ और जरदारी के साथ फ्रेंडली करते करते तहरीक इंसाफ, तो फिर तहरीक चौधरी साहब, ये तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ी इलेक्शन कम्पेन, उसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में पैसे का बेताशा इस्तेमाल, सड़कों पर बैनर, जहाज़ों से फूल की पत्तियाँ और बैनर, और इमरान खान साहब जिस जलसे में जाते वहाँ अरबों करोड़ों खर्च हो जाते। एक तो ये बताएं कि ये जो पार्टी फंड्स थे ये कहाँ से आए और कैसे इनको इकट्ठा किया गया, इतना यकदम इतना पैसा कहाँ से आया? अब तो कहते हैं हम एक गरीब पार्टी हैं, ये सवाल वो सवाल है जो आम एक साफ़ी जो है किसी बंदे से पाकिस्तान में नहीं पूछता, क्योंकि उनकी नाराज़गी वो मोल लेना नहीं चाहते। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये पैसा जो आया ये पार्टी के पास कहाँ से आया, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपेन चलाने के बाद भी पार्टी जो है वो अपोजिशन लीडर बना नहीं सकी नेशनल असम्बली में, और उनका जो अपोजिशन लीडर है वो भी पीपल पार्टी का, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी अपनी हुकूमत पार्टी नहीं बना सकी, वो भी इतिहादियों को साथ लेना पड़ा। हालांकि ये खान साहब की अपनी कही हुई बात है कि हम किसी को इतिहादी नहीं बनाएंगे, हम अकेले बैठ जाएंगे अपोजिशन में बैठ जाएंगे, फिर भी उन्हें मजबूर होना पड़ा और इतिहादी बनाने पड़े, और वजारतों पर भी काफ़ी देखेंगे पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बन गई और के पे की में सबसे बाद में हुकूमत बनी, वो ज़रा उस पर रोशनी डालें। देखिए जी, जहाँ तक ये सवाल है ना आपका कि तहरीक इंसाफ के पास पैसा कहाँ से आया, तहरीक इंसाफ के पास पैसा मैंने दिया, मैंने देने से मुराद है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, आप मीना साहब आप जानते हैं कि कितना पैशन, कितना शौक, कितना वलवला था। आप यकीन कीजिए कि हमने अपनी ज़कातों के पैसे जो हमने रमज़ान में देने थे हमने पार्टी फंड में दे दिए, एक मैंने नहीं दिए, मैं जब हम की बात करता हूँ मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करता हूँ, मैं उस मजदूर की भी बात करता हूँ कि जिसने कहा कि मुझे मेरे हाथों में दिए पैसे कि चौधरी साहब ये मेरी 1100 रियाल महीने की तनख्वाह है और ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहता हूँ, और मैंने उसको अकाउंट नंबर दे दिया कि भाई जिस तरह आप घर भेजते हो उधर भेज दो। ये तो आपको पता होना चाहिए हमारे पेड मेंबर्स कितने अरसे से पैसे दे रहे हैं, और पार्टी का एक एक रुपया जो है वो ऑडिट किया जा सकता है, सवाल उठते हैं, लोगों ने भी बातें की, वो एक अलग बात है, इंटरनल हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको पता चलेगा, और खूब पैसा लगाया पार्टी ने, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी के हारने की वजह हम बताते हैं आपको, पार्टी के हारने की वजह सच्ची बात है, मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इस रिकॉर्डिंग से पहले भी कि हमने अपने पाँव पे खुद को लड़ा मारा। मैंने दिसंबर 2012 में एक आर्टिकल लिखा था, और नहीं अगस्त 2012 में, कि अपना पाँव अपना को लड़ा। वो ये था कि खान साहब ने जो पार्टी इलेक्शन की डिस्क्लोज की यहाँ इस शहर में की, मेरे सामने बैठे हुए गई, अप्रैल 2012 में जब वो उम्रे के लिए आए तो शेरटन होटल में बैठ के उन्होंने डिस्कस करते हुए बात की कि हम इंटर पार्टी इलेक्शन कराएंगे और टाइमली इन इलेक्शन को करवा के एक जो क्यादत आएगी वो अपने कैंडिडेट्स देगी। बदकिस्मती से कि इंटर पार्टी इलेक्शन हमारे जिस तरह हुआ उसमें हर एक ने वो हरबा इस्तेमाल किया जो किसी और पार्टी का भी उसी तरह का काम होगा जिस तरह हमारी पार्टी में। लोगों ने अक्टूबर के जलसे के बाद 2011 के बाद उन्होंने समझ लिया कि ये पार्टी आने वाली है, वो सारे लोग झपटे, सारे अपॉर्चुनिस्ट इस पार्टी में आए और उन्होंने इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन को खरीदने की कोशिश की। ये अंदर की बात है, ये कोई हमारा बंदा आके टीवी पर भी बात नहीं करता, और मैं खुल के बात करने वाला बंदा हूँ कि हम वहीं हार गए जब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो लोग आ गए जिन्होंने इलेक्शन चुरा लिया हमारे पैसों से। यानी आप ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बता रहे हैं अवाम को कि जो पार्टी तब्दीली की बात कर रही है पाकिस्तान में उसके अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उनमें धांधली हुई है और उनमें पैसे का इस्तेमाल और कैंडिडेट खरीदने की वो बात हुई है। ये जो साहब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वैसे अल्लाह के फजल करम से बात कर जाता हूँ मैं तो, खान साहब के सामने भी ये बात करूँ और नईमुल हक साहब के सामने भी ये बात की है, मैंने सैफुल्लाह नियाज़ी को भी कहा, मैरियट होटल में 400 बंदे के सामने खड़े होकर मैंने कहा कि पार्टी के अंदर गोरबाचोफ आ गए हैं जो इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये अब वो कारकुन की पार्टी नहीं रही, अब ये साफ सुलझे मिलिनर्स जो हैं वो पार्टी के ऊपर काबज हो रहे हैं, लेकिन हम तो जिद्दोजहद करेंगे, ये जिस जिद्दोजहद में इमरान खान भी हमारे साथ होगा, पार्टी के ऊपर ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन है इसने हमारा बेड़ा गर्क किया। आपने कहा ना हमारे क्यों,
सच्ची बात है, अगर आप जब मर्ज की तशखीस आप नहीं करेंगे, आप झूठ बोलेंगे, लॉलीपॉप से काम लेंगे, फिर आप मसले के तह तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमारी पार्टी के अंदर ये हुआ और अपॉर्चुनिस्टों ने आके कब्जा किया, पार्टी के टिकट बिके, लोगों ने खरीदे टिकट, लोगों ने इसमें बेतहाशा माल बनाया और इंशाल्लाह अज़ीज वो अब एहतसाब के शिकंजे में वो आएंगे। चलें जी, एहतसाब के शिकंजे में आएँ या ना आएँ, हमारे शिकंजे में तो ज़रूर आ गए हैं। कि ये जी बहुत बड़ी बात है, तहरीके इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन 2007 to 2009 ये ऑन द रिकॉर्ड मीडिया में कह रहे हैं कि पार्टी इलेक्शन में धांधली हुई है और हमारे टिकट्स बिके हैं। अब हम मजीद इनसे पूछते हैं कि ये जो फौजिया कसूरी साहबा के फिर जितने भी इल्ज़ाम थे वो तो सच मानने पड़ेंगे हमें, और हम उन्हें मानते भी हैं कि वो जो कुछ भी कह रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, वो कैमरे के सामने बहुत कुछ उन्होंने कहा है, वो सारा कुछ क्या सही था, ये हम चौधरी साहब से पूछते हैं। फौजिया कसूरी, एहसन रशीद, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, ये एक ही बात करते हैं। यही वजह है कि वो 400 की असम्बली की जो सीटों में, उसमें एक सीट के लिए हम बैक करते रहे और हम रोते रहे कि हमारी ये जीत जो है हमें टिकट दे दिया जाए, और टिकट नहीं दिए गए हम लोगों को। पार्टी खुदा की कसम नहीं आ रही, लोगों ने पार्टी के साथ जो है बड़ी लोगों के साथ डेडिकेशन के साथ ऑनेस्टी के साथ लोग हमारे साथ थे। बदकिस्मती से हम खान साहब का जो वीएन था, खान साहब की जो पूरी कमाई थी, वो हम जो है वो एक मेज़ के ऊपर आके हार गए। जिस तरह एक अनाड़ी जवारी अपना सब कुछ हार जाता है, हम पार्टी टिकट की तकसीम के ऊपर वो हार गए। विनिंग सीटें, अभी मेरा एक दोस्त मेरा भाई सैफुल्ला मुगल भी कह रहा था, विनर्स जो हमने अपने लूज़ किए, हमने उन लोगों को टिकट। मुझे तो ये लगता है कि लेट मी गो इनसाइड द पार्टी एंड डिस्कस इट, मुझे तो ये लगता है कि बहुत सारी जगहों पे, और मेरी इतलात के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने के ऊपर उनकी पसंद के कैंडिडेटों को टिकट इशू है, और यही वजह है कि हमारे लोग रोते रहे कि टिकट गलत तकसीम हुए, हम वहाँ आ रहे हैं। तो सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि नून लीग के पसंदीदा शख्सियत को टिकट दिए गए तहरीके इंसाफ में, तो क्या ये सारा एक जो इलेक्शन था नूरा कुश्ती थी? मैं ये समझता हूँ कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि इलेक्शन नूरा कुश्ती थी, लोग उसी तरह निकले, उसी जज्बे के साथ निकले, लेकिन जिन लोगों को टिकट दिए, खान साहब को आपको पता है आखिरी दिनों में बेड के ऊपर भी लेट के उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है, गुजरांवाला का जलसे की आप ज़रा रिकॉर्डिंग देखें, आप कह रहे हैं ना कि इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी ये बात कर रहा है, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी इमरान खान की बात कर रहा है, फौजिया कसूरी वाली बात कर रहा है, एहसन रशीद वाली बात कर रहा है, सैफुल्ला मुगल वाली बात कर रहा है, ये जो हमारा यहाँ पर कारकुन बैठा हुआ है, ये उनकी बात कर रहा है कि पार्टी टिकट जानबूझ के दिए गए, और ऐसा लगता था कि अंदर से हमारे अंदर ही कोई बैठा हमें हराने की कोशिश कर रहा है, हम अपनी सफ़ों को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो साहबा अख्तर ने कहा था ना, को तेरी सफ़ में हो या मेरी सफ़ में, मैं हर जालम पे लानत भेजती हूँ। ये हमारी सफ़ों के अंदर भी, ये हमारी जो है ना जमात, इसके बुत भी इसकी आस्तानों में थे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम कहेंगे, आवाज़ तो हम उठाएंगे। ठीक है जी, चौधरी साहब की बड़ी ज़बरदस्त बातें, और तहरीके इंसाफ के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मौजूदा जो 11 मई के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की शिकस्त का ज़िम्मेदार इन्होंने उन अहदेदारान को ठहराया जिन्होंने पार्टी टिकट्स गलत तकसीम किए, और इन्होंने ये भी कहा है जी कि ये कह रहे हैं जी कि बेचे, जिन्होंने पार्टी टिकट बेचे, और ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। मैं समझता हूँ कि मैं तो इस पर कुछ बहस नहीं कर सकता, जो इसके साहिब इक्तदार हैं तहरीके इंसाफ में उन्हें सोचना चाहिए कि जितनी नौजवानों के साथ वो खेले। और आप चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं जी कि नून लीग के पसंदीदा शख्सियात को टिकट दिया गया, इसका मतलब है कि ये तहरीके इंसाफ और नून लीग इकट्ठी थी और इनका मुकाबला पीपल पार्टी से था, पीपल पार्टी तो फिर भी जीत गई 40 सीटों के साथ। चौधरी साहब, ये सफ़र हमारा इंशाल्लाह जारी रहेगा, हम आपके साथ फिर भी मिलते रहेंगे। हमारी आपसे ये अभी बात है कि दरख्वास्त है कि आप पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई पैगाम ऐसा दें कि उन्हें अपनी ज़िंदगी की मेहनत और तरक्की में जो उनका मामून और मददगार साबित हो सके, और वह कैसे अपनी ज़िंदगियों में खुशहाली ला सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला हमारा, मैंने आगे भी बात की कि सूरह निसा की तफसीर में है कि जिस माशरे में जान और माल की हिफाजत नहीं रहती वहाँ माशरती तवाज़ुन खो जाता है, खो बैठता है वो माशरा, और माशरा वो तबाही और तनज़ली की दलदल में फंसता जाता है।
तो हमारे माशरे की ये हालत और सब इसकी सबसे बड़ी वजह तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी है। तो आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि वो इस महदूद वसाइल में वो कैसे अपने लिए ऐसे वसाइल पैदा कर सकते हैं कि वो इन बुराइयों की तरफ, जराइम की दुनिया की जाने की बजाय वो मेहनत की तरफ आएँ? देखिए जी मियाँ साहब, मैं एक बात तो ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई हमने आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या किया ओवरसीज़ में। ओवरसीज़ में जो जज्बा हुब्बुल वतनी है उसके लिए जो हमने मशायरे, कौमी तकरीबात, इससे हट के जो उनके जॉब्स के लिए ये की, मैं कंपनियों में जहाँ जहाँ काम किया बदनामी की हद तक मैं पाकिस्तानियों को जॉब मैंने दिए और टैलेंटेड पाकिस्तानियों को जॉब दिए, ऐसा नहीं, टैलेंटेड लोगों को जॉब दिए। दूसरा बड़ा प्लान जो है इंशाअल्लाह वो मैं इंसाफ प्रोफेशनल फोरम के प्लेटफॉर्म से अपने सदर जो नईमुल हक है उनके थ्रू अपने कायद के साथ एक प्लान लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं नए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तमीर के लिए मैंने यहाँ पे रिज़ाइन किया, जॉब से छोड़ा और मैं फाइनल करके अब पाकिस्तान भी जा रहा हूँ। वो प्रोग्राम ये है कि अलकासिब हबीबुल्लाह के नाम से हम एक अलकासिब प्रोग्राम बना रहे हैं। प्रोग्राम ये है कि हम जो कम पढ़े लिखे और गरीब लोग हैं इनको हम टेक्निकल तालीम देना चाहते हैं। जो सऊदी अरब में हमारा इस माशरे के साथ, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं, हम इनसे और पाकिस्तान के वो अच्छे मैन पावर रिक्रूटर्स, उनके तावन से हम एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाएंगे जिनमें बड़ी वाजिबी सी फीस वो लोग देंगे और हम उनको ट्रेन करेंगे यहाँ की लोकल नीड्स के हिसाब से। जैसे मैं जानता हूँ इस मार्केट में क्या चाहिए, अगर टेक्नीशियन है, मैकेनिक है तो उसको किस तरह का चाहिए मैकेनिक, डायग्नोसिस चाहिए उसको, बड़ा वो इंग्लिश पढ़ने वाला हो उसको, इस तरह की ट्रेनिंग हम देंगे। फिर हम स्टील फिक्सर, कारपेंटर्स और बेशुमार लोग हम ट्रेन करेंगे और उनके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट लेवल पे हमारी केपीके को हम एक मसाली सूबा बनाएंगे, हम केपीके के जिम्मेदारों के साथ इस पूरे मिडल ईस्ट मार्केट में आएंगे और यहाँ से डिमांड्स ला के उन नौजवानों को जो हम ट्रेन किए हैं उन गारंटी के साथ इस मार्केट में सप्लाई करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। हमें ये पता है कि एक शख्स अगर जॉब पर आएगा तो एक ख़ानदान संवरेगा और फिर बड़े मसाइल वहाँ पे कमी होगी। ये देखेंगे प्रोग्राम, ये एक बड़ा मुनफरद प्रोग्राम होगा और ये इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी का प्रोग्राम होगा और केपीके के लोगों को सलाम पेश करते हुए उनकी एक बेहतरीन चॉइस के लिए हम एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी असद कैसर साहब से भी बात हुई है, मेरे और दोस्त भी जो मिनिस्टर बने हैं वो बड़े खुश हैं इस बात के कि हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और ये प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ केपीके, फिर हम इसको पंजाब में भी आगे लाएंगे, हम आप सिंध में भी लाएंगे, इंटीरियर सिंध में लाएंगे और जिस तरह लोगों ने, कराची के लोगों ने तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया, हम इंशाअल्लाह कराची को भी एक चुंगल से आज़ाद करवाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम लाएंगे। और आप देखेंगे मनार साहब कि पाकिस्तानी जो है यहाँ इस मार्केट में जब आता है वो ज़बरदस्त काम करता, अपने घर संवारता, अपना कबीला संवारता। हम एक बंदा जो लाएंगे उससे ये भी हम एक वादा करेंगे कि वो अपने घर के कम अज़ कम तीन बंदे लाएगा और हो सकता है आप उनका पूरा एक स्पेशल फंड से, एजुकेशनल टेक्निकल फंड से हम उसको स्पॉन्सर करें और उसको एक रुपया भी ना लगाना पड़े सिवाय पासपोर्ट की, अपनी वो तैयारी के साथ साथ जो चीज़ें हैं। ये देखें एक प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, अगर ये हो गया अलकासिब प्रोग्राम तो तहरीक इंसाफ का एक ऐसा प्रोग्राम होगा इंसाफ प्रोफेशनल फोरम की जानिब से कि आप देखेंगे एक मुस्बत तब्दीली और ख्वाब जो है वो पूरा होगा इस तरह के भाव से। माशाल्लाह जी, यही हम आम एक, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर के वाले से इनकी बात नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये तब्दीली एक आम पाकिस्तानी में आए, हम पाकिस्तानी लोगों के लिए सोचें और पाकिस्तानियत के लिए सोचें। माशाल्लाह चौधरी साहब ने जो प्रोग्राम दिया, हम उम्मीद करते हैं जी कि ये बाकी पाकिस्तान के प्रोग्रामों की तरह नहीं होगा और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर हमारे अगला हमारा एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें हम समाजी हवाले से कुछ लोगों को बुलाएंगे, हमारी नज़र में हैं कुछ दोस्त अहबाब, और पॉलिटिकल एफिलिएशन के हवाले से हम लोगों को बुलाएंगे। हमारा प्रोग्राम है कि बजट डिबेट इख्तियार की जाए, तो उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वो बजट को कैसे देख रहे हैं, तो उस हवाले से हम इंशाल्लाह आपको दोबारा मदु करेंगे। बहुत मेहरबान, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। वेरी गुड।